प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। कहा गया है खुशनसीब है वो कौम, वो जमात, वो फौज और वो मुल्क पाकिस्तान जिसको अल्लाह ने गज़वा हिंद के लिए मुंतखब किया है। अब चाहे कोई इस हदीस शरीफ को माने या ना माने, जो अल्लाह ने तकदीर लिख दी है वो होके रहेगी। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम हिंदुस्तान के पंडितों, शूद्रों, दलितों और वहां रहने वाली अकलियतों को पहले इस्लाम की दावत देना चाहते हैं। बाद अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसके लिए बेहतरी है, अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता फिर उसके नसीब में बदनसीबी और जिल्लत लिख दी गई है और उसका फैसला मुसलमानों की तलवारें करेंगी। शेर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का काफिला है जो इंशाल्लाह बढ़ता ही चला जाएगा और हम इंशाल्लाह दिल्ली के लाल किले पे पाकिस्तानी परचम लहराने का अज़्म रखते हैं। इंडिया से लोग आते हैं, आकर वहां के हालात बयान करते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों में भी यही जिहाद के जज्बे, जिहाद के शौक पैदा होना शुरू हो गए हैं, मस्जिदों में खुतबे जिहाद के शुरू हो गए हैं और अल्लाह के फजल और करम से मुजाहिदीन मैदानों में निकलना शुरू हो गए हैं। मेरे अजीज भाइयों, ये शहादा के खून की दावत बड़ी जबरदस्त दावत होती है। Since July 2006. बड़े होके क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद होऊंगा। किधर गोली खाओगे? उमर किसके लिए लड़ोगे? कश्मीर सामने। अब आप पूछो चाहते तो किससे दे। उमर कैसे लड़ोगे आप? हम लास्ट कैसे? अब आप बताओ ना कैसे, क्या बनोगे, कैसे करोगे?